हेलो दोस्तों, एक नई दिन एक नई सुबह। आज तारीख है 13 तारीख, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग 5 बजे ही उठ गए थे, लेकिन पूरी रात यहाँ बारिश हुआ। हम लोग अभी हैं लाचुंग में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग गैंगटोक से लाचुंग आ चुके हैं। अब आज की वीडियो होने वाली कि लाचुंग से हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट युमथांग वैली होते हुए, और फिर वहाँ से लौट के लाचुंग आएंगे। देन आफ्टर हम लोग गैंगटोक के लिए जाएंगे। तो रात भर बारिश हुआ है, तो सुबह 1.5 घंटे समय इसी में चला गया कि चला जाए कि ना चला जाए। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जा ही रहे हैं। और आज मेरे साथ एक एडवेंचरस चीज़ हो गई। हाँ। जिंदगी में जोंक होता है, आपने सुना होगा जोंक। वो मेरे पैर में चक्की थी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैगी खाऊं कि पहले उसे खाऊं। तो ये नई चीज हुई, अंततः मैगी पहले खाया गया, जोंक बाद में खाया गया, उसको भी खा लेने दिया। तो सभी लोग रेडी है, प्रीतेश, अनमोल भाई और सिद्धांत चड्डी पर, अच्छा रेनकोट पहन। तो अब हम लोग निकलेंगे एक एडवेंचरस राइड पे। बारिश का माहौल है, तो रेन गियर सारे अपने पहन के चल रहे हैं। सामान सारे इकट्ठा करके इस होटल में ही छोड़ दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ मिल गया है, ठीक है, मैगी सब हम खाया है, चाय और चाय पिया है। तो बस अब निकलते हैं फटाफट बाइक रेडी करके राइड पे, और जैसा होता फिर आपको आगे अपडेट जो है मिलते रहेंगे। सभी बाइक वगैरह रेडी हो चुकी है, सभी में चैन लूप हो चुका है, सब लोग अपने रेन गियर्स में आ चुके हैं। टाइम जो हो रहा है 7:40 हो रहा है। हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि परमिट वहाँ पे 9:30 बजे के बाद एंट्री वो नहीं देंगे। आओ आओ, चलो चलो चलो। तो ठीक है, रास्ते में चलते चलते बात करेंगे आपसे। हालांकि एक्शन कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, तो वो आर्मी का एक रूल है, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आगे मोबाइल से अगर कुछ स्नैप मिलेगा तो आपको वो दिखाते रहेंगे। पीछे हम लोग को पहला चेक पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से दूसरा चेक पॉइंट जो है वो 27 किलोमीटर दूर है, युमथांग वैली क्रॉस करके। तो अभी तक मौसम बहुत खुल चुका है, तो बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अनु भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग थोड़े से लुक गड़बड़ हो गया, नज़ारा आप देखो पीछे बहुत शानदार है। फिलहाल अभी समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे भी हम लोग को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आगे पहुंचते उस चेक पॉइंट फिर आपसे मिलते हैं। रास्ते में एक सुसु ब्रेक लिया गया है, सुसु सब लोग सुसु करके आगे चले गए, एक बंदा वहाँ भी सुसु कर रहा है। तो कैमरा एक्शन कैमरा अलाउड नहीं है, तो वो भी आगे लगा लेंगे। यहाँ से युमथांग जो है वो 18 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद एक आर्मी पोस्ट है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिल गया है वाटरफॉल। बहुत दिक्कत से दो दो लोग पकड़ के गाड़ी वो करेंगे। चलो निकल गए निकल गए निकल गए। आइए भैया, एक्सीलेटर दिया रहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गए। अब हम लोग भी जाएंगे आगे। जो वाटर क्रॉसिंग पड़ी है उसमें देखिए गाड़ी फंस जा रही है। वो वाली इसके पहले वाली ज़्यादा ख़तरनाक थी, बट ये है कि इसमें बीच में ज़रा सा गड्ढा है। और अब बारी है नितिन भैया की, हर हर महादेव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हर हर महादेव। जूतों में पानी बहुत तगड़ा भरा हुआ है। क्रॉसिंग बहुत खतरनाक मिल रही है। तो रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, जबरदस्त मजा आ रहा है। वो नज़ारा देखिए,
ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा देखिए, और इधर भी नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। दो दो वाटर क्रॉसिंग आगे, पैर वगैरह जो है सबका भीग चुका है, इनका भीग चुका है, मेरा भीग चुका, सबका भीग चुका है। तीन लीटर पानी निकल ये यूंगफांग वैली हम लोग पहुंचे हैं। अब यहाँ हम लोग लौटते वक्त रुकेंगे, और हम लोग चल रहे हैं पहले जीरो पॉइंट होकर लौटेंगे, तब यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। हालांकि एक ओवरव्यू आप देख, आ रहा है। हम लोग जब नीचे होटल के रूम में थे तो पल्लू भाई को हम लोग बोल रहे थे कि आपके चक्कर में हम लोग को सिक्किम आना पड़ा, इससे अच्छा हम लोग लद्दाख गए होते, क्योंकि वहाँ बारिश हो रहा था, बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ से जीरो पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो व्यू अच्छा मिला, तो ठीक है। पल्लू भाई को जितना हम लोग कहे थे कोई बात नहीं, पल्लू भाई बढ़िया आपने डिसीजन लिया कि सिक्किम इस बार हम लोग आए, अगली बार फिर से लद्दाख चलेंगे हम लोग। और एक नंबर मजा आ रहा भाई लोग, अनमोल डर रहा है कि दे दो भाई, ये लो बच मत सामने। आप लोग देख रहे होंगे वो रास्ते जो दिख रहे हैं, उसके रास्ते लोगों की ऊपर से 15,300 या 800 फीट की ऊंचाई पे, 15,800 फीट नजारे तो बहुत सुंदर हो गए हैं। अब मजा आ रहा है सिक्किम घूमने में। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चट्टी नहीं पहन लिया, असल में हम लोग की चट्टी हो गई, भीग गई। हाँ तो भी नहीं पहन के फूल खिला। लैंडस्केप बहुत ही बेहतरीन है, चट्टान ही चट्टान है, गुलाबी गुलाबी रेड येलो ये सब फ्लावर्स हैं, बहुत कैसा लग रहा है कैसा। हाँ भाई तो आप लोग कर जा रहे थे, पल्लू भाई को कर जा रहे थे, और अब नजारा ठीक हो गया है, अब इनको कर जाया नहीं जाएगा। पल्लू भाई को सवेरे तुम लोग बहुत कर जाए हो, पल्लू भाई पहुंचे जिंदाबाद। ये लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज हो गया, अब यहाँ पे कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है, मात्र 10 किलोमीटर के लेंगे हम लोग। जीरो पॉइंट लग रहा है कि पहुंच गए हैं, यहाँ की गाड़ियों की भीड़ देख के तो लग ही रहा है कि हम लोग जीरो पॉइंट आ रहे हैं। वेलकम टू जीरो पॉइंट। आगे जाने की पहले कोशिश करेंगे, देखते कहाँ तक चलते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पे, तो मेरे दोस्तों हम लोग जीरो पॉइंट आ चुके हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई है ये चाइना बॉर्डर सिक्किम में। ये हम लोग पहले रेनकोट उतारेंगे क्योंकि फोटो अच्छी नहीं आ रही है, जीरो पॉइंट पहुंच चुके हैं। नितिन भैया इधर, आपका भी मन आप भी दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर। बहुत मजा आ रहा है, अभी तक तो हम लोगों ने रेनकोट पहना हुआ था, अब रेनकोट हम लोग उतार रहे हैं, थोड़ा फोटो सेशन यहाँ करेंगे, शूज में पानी चला गया, आ गया जूते भी उतारेंगे, उसको भी सुखवाएंगे, धूप अभी एकदम सर पे है,
धूप है हल्की हल्की, मजा आ रहा है। पीछे छोटे हैं, एक भैया भी मिले हैं हम लोगों को। से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फिकिर तो को रंग लगे तेरी दिशा में दिशा। अभी हमारे ओपी भैया पता नहीं कहाँ हैं, आ रहे हैं। तो जिनको पूरे ट्रिप पे बहुत भूला भला बुरा कहा गया कि आप सिक्किम लेक चले आए, सिक्किम लेक चले आए, पल्लू भाई बाइकर्स बॉन्ड आप हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगता है। मजा तो आ रहा है लेकिन उतना मजा ना आ रहा है, लद्दाख चलते ज्यादा मजा आता है। चट्टान कैसा दिखा दे, चट्टान हरा पीला, पूरा पहाड़ चट्टान है यहाँ चारों तरफ, लैंडस्केप एकदम चेंज। तो हम लोग इस वक्त है 15,800 है वहाँ पे लिखा, ठीक है 16,000 फीट की ऊंचाई पे। और यहाँ पर नज़ारा देखिए इस तरह का है, और जो रास्ते में हम लोग की वाटर क्रॉसिंग पड़ी थी, ये जूता जो शूज देखिए ये निकाला गया है, ये देखिए इसमें पानी निकल रहा है, ये देखिए गंदा पानी निकल रहा है। तो ये एक बेहतरीन नज़ारा है। So, hello again, welcome to our channel, good morning from Zero Point जो है North Sikkim का ऐसा point है जहाँ तक आप last आ सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते हो। वहाँ पे आपने board देख रहे हैं कि वह tourist and bikers are not allowed, कोशिश करेंगे उसके आगे जाने की, जहाँ वो रोक देंगे वहाँ रुक जाएंगे। तो मज़ा बहुत आ रहा है, और ये है अपना इंडियन फ्लैग, जय हिंद। तो अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, कुछ फोटोज वगैरह खिंचाएंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है, देखिए मैं टकला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही दिखता हूँ। और मैं एक चीज मैं लाना भूल गया, चश्मा। आप लोग का देख के मुझे जलन हो रहा है थोड़ा। चश्मा लगा फोटो खिंचाया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़के लाए नहीं है चश्मा, सब लड़के लाए नहीं है। हम बार बार जब चश्मा मांग रहे थे, एकदम समझ लीजिए जल जा रहे हैं हम लोग, अंदर से जल जा रहे हैं। चश्मा तो फोटो खिंचाओ। तो मजा बहुत आ रहा है जीरो पॉइंट पे। क्या भैया आप लोग कहाँ से आए? बिहार से, समस्तीपुर से। बिहार से? हम लोग भी जो यूपी से आए। देखिए भैया बिहार से कैसे, आप तो गाड़ी से आए, कार से आए? बुकिंग करते हैं। बुकिंग करते हैं, कितना लगा चार्ज आपके यहाँ? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कहाँ से कहाँ तक कर लिया? सिक्किम से गैंगटॉक। गैंगटॉक से जीरो पॉइंट। हाँ, और ये किधर था उधर? आपका चैनल है क्या? ऐसे ही हम लोग अभी स्टार्टिंग ईयर में। अच्छा, हम लोग चैनल बता दीजिएगा। अच्छा, बता देंगे। तो भैया गैंगटॉक और सिक्किम कार्टून पूरा पैकेज। हम लोग आए हुए हैं बिहार से समस्तीपुर के, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये अर्थ से 16,000 फीट हम लोग ऊपर है। हाँ। और बहुत ठंडा लग रहा है, और ठंड लग रहा है लेकिन जैकेट हाँ। नहीं पहने हैं, जैकेट नहीं पहने हैं, क्योंकि जैकेट इसीलिए नहीं पहने क्योंकि ठंड का मजा ले रहा है, लेना चाहते हैं। हाँ, हम लोग वहाँ गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे हम लोग मजा ले रहे हैं। 41 डिग्री रहता लेकिन फील होता 52 डिग्री सेल्सियस में। तो ये भैया मिले हैं, आपका नाम? नितिन मेरा नाम है, चैनल का नाम है बाइकर बॉन्ड, और भैया को भी टैग कर देंगे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो 10,000 दो लोग कर लिए हैं? एक लोग का पर हेड 10,000, इसमें फूडिंग लॉजिंग सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल। अगर आप यहाँ टूर करके भी आना चाहते हैं, 10,000 रुपए में आपका पर्सन का पैकेज हो जाएगा। आइए तो फुल एंजॉय हो रहा है जीरो पॉइंट पे। अब एंजॉय भले भी कम हो रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा एक एंजॉय ज्यादा हो रहा है। ओपी भाई देखिए, अरे कुछ कहोगे? मजा आ रहा है। कुछ कहो। बहुत मजा आ रहा है। सच में बता, दिल की बात पहले। मजा आ रहा है, दिल की बात। ओके, मजा क्यों नहीं आएगा? अकेले बैठे कुछ, मगर फिर भी ना जाए क्यों, मुझे सूझे अच्छा है सेनरिटा, मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, तुम बिना से
सेनोरिटा खाता भी है क्या काला काला धुआं ले किया भी है क्या ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जो नहीं है मैं क्या करूं आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जो नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल भोजपुरी कर डाला दीवाना को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को कर ले ये दिल ए भोजपुरी बल्लू भाई देखिए दाजा में परेशान है मरेंगे इसी मतलब लपेट के जाएंगे दाजा में परेशान है सब लोग फोटो खिंचाए तो ये भी अपना खिंचा रहे हैं वाह रे पल्लू भाई दाजा तो दोस्तों हम लोग जीरो पॉइंट से निकल रहे हैं ओपी भैया पहले निकल चुके हैं नितिन भैया गाड़ी आगे निकल रही है विदेश भाई सिद्धांत उधर पल्लू भाई तैयार हो रहे हैं जीरो पॉइंट हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे आधा घंटा हम लोगों ने एंजॉय किया बढ़िया टाइमलेस वगैरह भी लिया एक नजारा आप लोगों ने देख ही लिया यहाँ पर अब यहाँ पे निकल रहे हैं अब हम लोग को पहले चलेंगे लाचुंग लाचुंग के बाद फिर हम लोग देखते हैं वहाँ जैसा माहौल रहता है कि अगर गैंगटॉक चलना हो तो गैंगटॉक भी चलेंगे कुछ लोग को देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है कुछ लोग कपूर और उनके सर में दर्द हो रहा है तो अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या इतने ऊपर आने का अनुभव नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर या कपूर लेते हैं तो यहाँ से निकला जा रहा है क्या भाई राइडर कैसे हो बस पैसा दे के हम लोग निकले सर में आपके ठंड लग रही कि नहीं है पहले नहीं नहीं ज्यादा सर में ठंड लग रही है बहुत अच्छा लगा अब हम लोग चलेंगे नीचे लाचुंग में वहाँ लंच करने के बाद फिर नीचे गंगे जीरो पॉइंट तक बाइकर पॉइंट पहुंच चुका है बाइकर पॉइंट जिंदाबाद जिंदाबाद जौनपुर वाला जिंदाबाद तो हम लोग की बाइक पे पीछे कुछ लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं दोनों नंबर सेम है ये देखिए अपनी बाइक पे कुछ टूरिस्ट मिले लखनऊ के भैया लोग ये फोटो खिंचा रहे हैं थोड़ा सा थम्स अप अच्छा लगा तो बाइक पे कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं अच्छा लग रहा है कम से कम कोई तो पूछ रहा है कि देखो ये भैया लोग हैं बनारस में आंटी अंकल ये लोग हैं सभी लोग बनारस ये बनारस के हैं भैया के पास भी ड्यूक आंटी है ये सोच रहे थे कि नहीं लाए लेकिन क्या है कि अब अगली बार आप ट्रिप करिएगा और तक भी रहिए आपको ठीक करिएगा चलिए तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं ये अपना जीरो पॉइंट से और ये देखिए बीच में ये लाचुंग रिवर है कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं टेम्परेचर अब यहाँ गिर गया है 11:15 बज रहा है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब लाचुंग पहुँच के डिसाइड करेंगे नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है मौसम भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है यार ठंडा हो रहा है हम लोग ने रेन कोट अपना उतार दिया तो ठंड लग रही है पल्लू भाई ओपी भाई प्रीतेश सब लोग आगे चले गए और रास्ते में हम लोग को बढ़िया सीन मिल गया तो हम लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं एक नंबर लोकेशन आप देखिए नज़ारा देखिए ये है बादल चट्टान है बीच में बादल है वैली है मौसम भी गड़बड़ हो रहा है टेम्परेचर इस वक्त हमारे हिसाब से 6 डिग्री सेल्सियस हाँ 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर लगभग लगभग हो गए तो हाथ वगैरह ठंड लग रहा है ग्लव्स से जानबूझ के नहीं लगाए हैं ग्लव्स थोड़ा ढीला है अभी फिर से राइड कंटिन्यू करते हैं नीचे चलते हैं युमथाम वैली उन लोग से मिलते हैं फिर आपसे आगे आज बातचीत करते हैं चलिए बाय बाय एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर रुक के अब ठंड ज़्यादा लग रहा है कि आपको एक्चुअली एक्शन कैमरा अलाउड नहीं है तो वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं तो जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वो वीडियो आप देखिए ये है वैली और ये है सड़कें और ये है नज़ारे
युंगथाम पहुंच चुके हैं और 23 किलोमीटर यहां से रहा। आइए चाय पी लीजिए, उपी भाई भी अपने आ गए हैं और अब यहां पे चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद सोचिए टाइम जो हो रहा है 11:30-12 के आसपास हो रहा है। हम लोग पहुंचने वाले नीचे, मजा आ गया गाड़ी के बाद। बल्लू भाई गाड़ी 120 भाग रही है, 12:30 पागल है। तो मजा आ गया है, अब यहाँ चाय वगैरह पियेंगे। झगड़ू राम पकड़ी, ठीक है अब यहाँ चाय वगैरह पीते फिर आगे चलते हैं। यहाँ से लाचुंग जो है अभी 20 किलोमीटर है, विच जो कि एक घंटा उसमें और लगेगा। ओपी भाई जो अपने हैं देखो इनको खुश कर रहे हैं, एक अंडे में ऑमलेट लगा रहे हैं, दिमाग दिमाग थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो गया। अब यहाँ ऑमलेट वगैरह खाएंगे, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज आंटी जी ने हम लोग को आलू फ्री में खिलाया है। आंटी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू आलू के लिए। खाना पीना नाश्ता यहाँ हो गया, मैगी खाए, ऑमलेट खाए, बटर लगा के चाय पिया, आलू की सब्जी भी हम लोग खाए और आलू आंटी ने फ्री में भी दिया। तो अब ये सूचना मिल रही है कि नीचे जो है रोड बंद हो गया, तो आने नहीं दे रहे हैं, शायद से वो जाने देंगे। तो अब लाचुंग पहुंचते हैं, फिर वहां से एक्चुअल सिचुएशन जो है क्लियर होगा। देखो एक लोग के देंगे 15 दिन तक यहां हम लोग काम करना पड़ेगा। हाँ। पता कर लें कौन कैसा काम करना है। ऊपर से बहुत ज्यादा वाटर आया, पानी आया, उसकी वजह से रोड टूट गई, ऐसा यहां के लोकल लोग बता रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको एक्चुअल सिचुएशन अपडेट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि रास्ता बंद होने का वो आया है कि रास्ता बंद हो गया है, ऐसा सूचना मिली है। नेटवर्क नहीं है इसलिए कंफर्मेशन अभी नहीं मिली। 18 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद ही पता चला। ये हम लोग 0 पॉइंट से लाचुंग की तरफ जा रहे हैं वापस। युंगथांग वैली क्रॉस कर चुके हैं, पीछे का आप नजारा देख ही रहे हैं। यहाँ से लाचुंग जो है 15 किलोमीटर, यहाँ से लाचुंग जो है 15 किलोमीटर दूर है, तो आधा घंटा और लगता है। वही वाटर क्रॉसिंग है जहां सबका शूज भीग गया था और फिलहाल तो अभी हम लोग आसानी से क्रॉस कर चुके हैं। तो ओपी भाई का वेट हो रहा है, तो फिर से एक ब्रेक ओपी भाई के लिए रुका गया है, पीछे वाटर क्रॉसिंग जो है इसी वजह से रुका गया है। ओपी भाई आते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, आप ये नज़ारा देखो। अभी अभी हम लोग पहुंचे हैं अपने होटल, मजा आ गई। टाइम क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, कितना टाइम टाइम बता रहे लगते हैं। टाइम 1:40 हो रहा है, यहाँ से फटाफट सामान पैक करेंगे, लंच रेडी होगा तो लंच करेंगे फ्री वाला, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे मंगन के लिए। लंच बाकी, हम लोग 11 बजे निकले थे वहाँ से, तो आ गए हैं अपने होटल, सारी बाइक रेडी है। 11 बजे निकले थे, 2 घंटे समय लगा, 1:30 बजे यहाँ आए थे, आधा घंटा लग गया लोग फ्रेश होने में और पैकिंग करने में फिर से। तो नाउ वी ऑल सेट टू लीव, ओपी भाई बस केवल आ रहे हैं, तो मतलब अंदर ही हैं वो, आ रहे हैं तो हम लोग फिर से यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। टारगेट है मंगन या गैंगटोक, 4 घंटे में गैंग, अगर नाथुला खुला होगा तो हम गैंगटोक से पहले रुकेंगे, और अगर नाथुला बंद रहेगा तो मंगन स्टे करके या मंगन से आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने रूट पे जौनपुर की तरफ।
दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सारी गाड़ी तैयार हो गई है, गाड़ियाँ चल रही है, निकल रही है सारी गाड़ी। वीडियो सब लोग निकल रहे हैं, वो भी भाई निकल रहे हैं, नितिन भाई। तो हम लोग आज का डेस्टिनेशन है हमारे पल्लू भैया, और ये हम भी निकल रहे हैं। सारी तैयारियां रेडी, वी आर सेट टू लीव। निकलेंगे मंगन के लिए। टाइम जो हो रहा है 2:22 टाइम हो रहा है। और बैटन बोल रोड पे रख करिए यहाँ से। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोग एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि ये पता चला था कि रास्ता जो बंद था वो खुल गया। लेकिन अब हम लोग जब निकल गए सारी पैकिंग वैकिंग करके, तो 2-3 गाड़ी वाले आए, उन्होंने कहा कि रास्ता बंद है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। तो हम लोगों ने प्लान किया कि बाइक लेके चलते हैं, हो सकता है शायद बाइक वालों को जाने दें। आगे एक्चुअली पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ से वो लोग वापस हुए हैं, तो देखते हैं क्या पता बाइक को अलाउ कर रहे हो, तो वो वहाँ पहुँचने के बाद ही दिखाई देगा। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ से है, तो वहाँ चल के वो रिस्क लिया जा रहा है। रिस्क लेके देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर वापस आके रुकना पड़ेगा। और एक बात और है कि कल से नेटवर्क भी नहीं है फोन की, तो ना फोन हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, और हुआ ये कि अभी पुलिस वाले की गाड़ी आई थी, उन्होंने बताया कि रास्ता जो है आगे 4-5 जगहों पे ब्लॉक है। तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, चलेंगे उसी जगह आप रुकेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है, न नेटवर्क है न कुछ है। हम लोग आए हैं 6-7 किलोमीटर, लेकिन अब वापस जाकर उसी जगह रुकना ही पड़ेगा। बारिश भी होने वाले, चल के उसी जगह आराम करते हैं, सब आपसे बताते हैं क्या करना है। फिर से आ गए हैं उसी जगह, रास्ता बंद था, वापस आ गए एक जगह यहाँ और स्टे करेंगे। देखते हैं शाम में आपको लाचुंग भी दिखाएंगे। ये देखो दो बंदे आराम से लेट रहे हैं। ओपी 2 दिन की रजिस्ट्री है। और सुनो सबसे अच्छी बात, ओपी बस बोले हम भैया आपके रूम हुआ खाली, तुरंत अंदर गए सामान रखे अंदर से लाख, कोई अपडेट नहीं कि कौन कहाँ फंसा। तो देखिए अब क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, हम लोग जा नहीं पाए, तो रुकना है। तो देखिए 4 लड़के मिलके लूडो खेल रहे हैं। लूडो देखिए हम लोग को टेंशन नहीं, हमारे जो मेन है वो नितिन भैया है, वही समझे अपना कैसे खिलाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे लेके आना है। बाप रे, तो आप सबको पता ही है कि रास्ता बंद हो गया है, अपडेट मिल गया है, तो कोई काम नहीं है। तो इन लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारे भाई साहब आप लोग के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं और हम इन लोग का वीडियो बना रहे हैं। तो बस यही चल रहा है, सारे कपड़े गीले हो गए थे तो यहाँ पे टंगे हुए हैं, नीचे पैंट्स हैं, उसके बाद जूता है, इधर हीटर लगा के हम लोग गर्मा रहे हैं इसको सूख जाए। और गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, खाना भी हम लोग खाएंगे। यही अपडेट है, बाकी कल देखते हैं रास्ता खुलता है तो चलेंगे, नहीं तो फिर यहीं रुकना होगा। बस गए हैं यहाँ पर तो एंजॉय कर रहे हैं। के बाद रास्ता ब्लॉक हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग ब्लॉक यहाँ पे इतना है ना, ब्लॉक हुआ है रास्ता पूरा, मैच हुआ है पूरा ब्लॉक, करीबन बहुत जगह पे ब्लॉक हुआ है। यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस हम लोग उम्मीद यही है ना। तो हम लोग रास्ते कल तक खुले ताकि हम लोग वापस खुले, कल तक हम लोग कैंटोक तक पहुंचे। हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल disco dancer.
आखिरी आखिरी जाओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आयुष मस्तानी कब आएगी तू चाय सिंधानी कब आएगी तू चलिया चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आयुष मस्तानी कब आएगी तू चाय सिंधानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया तो रात के 11:30 बज गए हैं। पूरे दिन का हाल आप लोगों ने देख ही लिया है और रात में खाना पीना खाकर हम लोग थोड़ा सा म्यूजिकल नाइट एंजॉय करने लगे और बेहतरीन होटल हम लोग को मिल गया है। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा अनमोल भाई और सिद्धांत का। ये लोग कलाकार का होटल, ये लोग अपनी कलाकारी से उसको अट्रैक्ट कर लिया, कहने का मतलब उसको खुश कर दिया, तो सस्ते में जुगाड़ हो गया। अब लगभग 5-6 फैमिली यहाँ पे रुकी हुई है, सबसे ज्यादा एंजॉय उन लोगों को हम ही लोगों से मिला है। हाँ। तो अब कल बात हो गया है, पैसा वैसा खत्म हो गया है। अगर और रुकना यहाँ पड़ेगा तो कुछ यहाँ काम हम लोग को मिल जाएगा ऊपर, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लास्ट में हमारा सिद्धांत भाई कुछ बोलेगा। जल्दी आ। देखिए यहाँ का जो हाल है वो ज्यादा लॉन्ग में नहीं बताएंगे, बस फंस गए हम लोग, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बस कोई बात नहीं, ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कैसे फंसे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं फंसने के बाद, वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगले वीडियो में। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और इधर देखो दो बंदे सो रहे हैं, घोड़ा बेच चुके ओपी भाई बगल वाले रूम में। भाई अपना आइडल भाई लाइट आइडल लाचुंग का आइडल। चलो भाई गुड नाइट, बाय बाय।